मेरा नाम है वो रवि, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर। UPL की एक सबसे अच्छा एक ना प्रोडक्ट है ज़ेबा। एक तो हमने ज़ेबा यूज़ किया इसमें, और एक कोपियो यूज़ किया है, और रीनो, ये तीनों चीज़ हमने अच्छी तरह जब सैपलिंग डालना शुरू कर दिया उसी वक्त है ना हम सब ये सब चीज़ें यूज़ किया है। इसके वजह से मुझे अभी तक है ना इतने जितने लगा है उसमें एक भी सैपलिंग मरा नहीं। मैं एक सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी हूँ, मेरा नाम अशोक पाई है। मुझे ये जान के खुशी हुई कि ज़ेबा जैसे मटेरियल लगाने से यहाँ के जो भूमि में जो नमी की कमी है उसको जो दूर किया जा सकता है। आप स्वतः देख सकते हैं कि जो इनकी जो किस तरह से जो हरा भरा जो पौधा हुए हैं, और इसकी जो आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, और एक साल में ये पूरा एक क्षेत्र जो जहाँ पे आपको ये दिख रहा है एकदम एक ग्रीन पैच के रूप में दिखाई देगा। ये रिटायर्ड UN ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मैं एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाता हूँ। हर पेड़ की जड़ में एक एक मुट्ठी ज़ेबा हमने डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब इसके बाद सिंचाई की गई, एक ही बार हम लोग ने सिंचाई की, तो पानी बजाय ज़मीन में बर्बाद हो जाने के जो पेड़ की हमारी नाजुक जड़ें थी उनको उपलब्ध हुआ। हमारे जो ज़िले के वन विभाग के जो वरिष्ठतम अधिकारी थे वो भी यहाँ आके देख के गए, उन्होंने कहा कि इस तरह का ग्रोथ, जो अद्भुत विकास है यहाँ पर फॉरेस्ट का, वो उन्होंने पूरे ज़िले में कभी नहीं देखा था कि इतनी सर्वाइवल और इतनी हेल्दी ग्रोथ हो। 3 महीने पूर्व यहाँ पर 10,000 पौधों की ट्रांसप्लांटिंग इस वर्ष 2020 में किया गया है, जिसमें जो है ज़ेबा कोपियो रेनो का प्रयोग किया गया है। ज़ेबा जिसमें जो है 50 ग्राम था प्रति पौधे, कोपियो 20 ग्राम था, और रेनो 1 ml जो है प्रति पौधे की दर से इन तीनों दवाओं का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्टेलिटी नहीं है, 100% पौधे सर्वाइव किए हुए हैं।